Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Next, बच्चों, limitations क्या है financial statement? Financial statement की खूबियां और जरूरत तो हमने पढ़ ली, but इसकी कमियां भी अब पढ़ लेते हैं. Financial statement lack in basis for projecting. Future project करना financial statement के बस की बात. Past तो बता देंगे कि क्या हुआ. ट्रेंड भी बता देंगे कि पिछले 3-4 सालों से ये ट्रेंड चल रहा है, बट वो 3-4 साल का ट्रेंड आगे भी कैरी करेगा ये नहीं बता पाए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ हिस्टोरिकल होती हैं, ये फ्यूचर ओरिएंटेड कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपको खुद सब्जेक्टिव या खुद ही कैलकुलेटिव होना पड़ेगा. आपको खुद सोचना है कि अब फिलहाल हो सकता है हमारे सोशियो इकोनॉमिक सीन चेंज हो गई हो, सोशल कंडीशन चेंज हो गई हो, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गई हो, बायोलॉजिकल कंडीशन चेंज हो गई हो. आप समझ रहे हो ना कि यानी कि जैसे तीन पार्टनर्स हैं, मैं फिलहाल पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ, कंपनी की बात नहीं कर रहा. तीन पार्टनर्स में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, सबसे ज्यादा वर्किंग पार्टनर है, अब वो बीमार रहना शुरू हो गया, ठीक है. और या कंपनी के केस में ऐसा देख लें कि जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी धीरे धीरे मार्केट डाउन हो रही है, वो प्रोडक्ट ही अब लोगों की रुचि का नहीं रहा ज्यादा. सो कुछ भी है, सो फ्यूचर आपको सिर्फ खुद ही सोचना पड़ेगा, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाती, ये इसकी एक कमी है. Financial statements are historical in nature, therefore analysis should relate only to the past and not necessarily the future. लेकिन investors हैं, shareholders हैं, ये तो सब future के बारे में ही पूछेंगे ना कि आगे क्या करने वाले, ठीक है, ये पहली कमी है. Number 2 point पे चलते हैं, this is only a tool and not the final remedy. Financial statement तो सिर्फ आपको एक help करने वाला tool है, ये टूल ही सारे काम अपने आप कर देगा ये कहीं नहीं लिखा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टूल टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंसर्न इन द एनालिसिस. बच्चों एनालिसिस में अभी हम आगे चल के फिर से पढ़ेंगे एनालिसिस, अभी हम ये पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल द पर्सनल जजमेंट ऑफ एनालिस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, देयरफॉर ही शुड नॉट डिपेंड ऑन द सिंगल रेशियो बट रीचिंग एनी बिफोर रीचिंग एनी कंक्लूजन ही शुड कैलकुलेट सेवरल अदर रेशियोज. ये तो एक्चुअली कुछ सलाह भी दे दी गई है इस पॉइंट में, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ. बच्चों हम लोग जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक टूल की तरह काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल स्क्रू ड्राइवर है, तो स्क्रू ड्राइवर को चलाना तो हम नहीं है, अगर उसको हमने गलत चला दिया तो हो गया काम. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक टूल की तरह से काम कर रही है, ये किसी तरह से और आपको फाइनल रेमेडी दे दें या इसी की हेल्प से हमें सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे ऐसा कहीं नहीं. ऐसे आगे चल के इसी पॉइंट में लिख दिया है हमने, पर आगे चल के बताएंगे एनालिसिस भी हमारे को सिर्फ हेल्प करेगी पर एनालिसिस ही सारे रिजल्ट्स निकाल देगी ऐसा कहीं नहीं लिखा जाएगा, ठीक है. तो ये दूसरी कमी है बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ये तीसरी कमी है, इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस. मेरा ख्याल से आप इतने सीनियर इनफ हो चुके हो कि समझ जाओगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ते हैं तो 1990 के प्राइसेस 2015 में या ईयर 2000 के प्राइसेस 2015 में, इवन 2005 के भी प्राइसेस 2015 में इतने ज्यादा रेलिवेंट नहीं है. अब मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 1980 में, अब 1980 में जो मैंने उस टाइम लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी दैट वाज वर्थ 1 करोड़, वही चीज अब 100 करोड़ की हो चुकी है या 70 करोड़ की हो चुकी है. आप बिजनेस 2015 में शुरू कर रहे हो, आपने वही लैंड एंड बिल्डिंग 70 करोड़ की खरीदी, तो मेरी बैलेंस शीट में जो एसेट 1 करोड़ की नजर आ रही है वो सेम एसेट आपकी बैलेंस शीट में 70 करोड़ की नजर आ रही है. तो यहां तो आपको बेनिफिट नजर आ रहा है, लेकिन लेट अस अज्यूम उस पे हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं दोनों 2%. तो मैं 1 करोड़ का 2% सिर्फ 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में डेबिट करता हूं, तुम 70 करोड़ रुपए का 2% 1 करोड़ 40 लाख रुपए डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट करते हो, कितना डिफरेंस आ गया बच्चों प्रॉफिट लॉस अकाउंट में. आप समझ रहे हो, मेरी डेप्रिसिएशन सिर्फ 2 लाख, आपकी 1 करोड़ 40 लाख, तो आपका नेट प्रॉफिट कहां जाएगा. ये सिर्फ प्राइस लेवल चेंजेस हो रहे हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं है. आप भी अपने लेवल पे ठीक चल रहे हो, मैं भी अपने लेवल पे ठीक चल रहा हूँ और कंपेरेबल है, लेकिन ये जैसे फिगर्स बीच में आने शुरू होंगे तो कंपैरिजन ही खत्म हो जाएगा. तो प्राइस लेवल चेंजेस के हिसाब से अकाउंट चेंज होने चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसी कोई टेक्निक अभी तक तो बनी नहीं है. फ्यूचर में बन जाए तो मैं कह नहीं सकता, अभी तक तो कोई बनी नहीं है. सबका कंपेरिजन या सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप के साथ ही जो कंपेरिजन है वो एज इट इज करती रहती है, जबकि प्राइस जो है साथ साथ चेंज हो रहा है और उस चेंजेस को हम कोई कंसिडर करते नहीं. तो ये एक तीसरी कमी और है. द रिजल्ट्स शोन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी मिसलीडिंग इफ द प्राइस लेवल चेंजेस हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर. और प्राइस लेवल चेंजेस आएंगे भी कहां से.
The ratio may improve with the increase in price, whereas actual efficiency may not improve. देखिए ना, last time हमने कहा कि हमारी सेल थी 1 करोड़ की, इस बार हमारी सेल हो गई है 1 करोड़ 20 लाख, तो बड़ा खुश होने वाला मैटर है, कमाल है, सेल बढ़ गई है. जबकि मार्केट में इस प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस 25% बढ़ गया है. सो कायदे से देखा जाए तो 1 करोड़ की सेल का 25% प्राइस बढ़ाकर 1 करोड़ 25 लाख तो वैसे ही सेल हो जानी चाहिए थी, हमारी तो सेल ही 1 करोड़ 20 लाख नजर आ रही है. तो एक्चुअल में हमारी सेल गिरी है, बट फिगर्स ऐसा नहीं कह रहे, समझ रहे हैं ना. द रेशियो विल नॉट बी मीनिंगफुल फॉर द कंपैरिजन इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी आर डिफरेंट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर प्राइस. आप बात समझ गए बच्चों, इसमें अगर मैं कुछ भी कंपैरिजन करके खुश होता रहूं कि मेरी सेल्स 20% बढ़ गई है या ऐसा कुछ हो गया है, तो एक्चुअली कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ प्राइजेस चेंज हुए हैं. और प्राइस लेवल चेंजेस को हम चेंज करना हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ऐसा कुछ नहीं है. 2015-16 की जो बैलेंस शीट आपको नजर आएगी वो 2015-16 के प्राइजेस पे नजर आएगी, 2016-17 की बैलेंस शीट 2016-17 के प्राइजेस पे नजर आएगी, आप कंपेयर करते हैं. अब ये कमी है तो सही, पर इसको दूर करने का अभी तक कोई टूल मिला नहीं है. नेक्स्ट है बच्चों, इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स. ये हम सब जानते हैं. मान लो हमारे मैनेजर्स या हमारी पूरी मैनेजरियल टीम बहुत एफिशिएंट है और बहुत इकोनॉमिक भी है, उसी चीज का बेनिफिट हमें प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, पर ये कहीं पीएनएल अकाउंट में या बैलेंस शीट में ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा कि वो बिकॉज ऑफ मैनेजर्स. ये तो नजर आएगा कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, अब हम बहुत स्ट्रांग पोजीशन में जा रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेने के लायक हो गए हैं. लेकिन वो किस वजह से है, वो वजह क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हमारी कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर नहीं आएगा. ठीक है. और मिसलीडिंग रिजल्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल डेटा, मैंने पहले ही बोल दिया. यहाँ पर एक लाइन मैंने लिखी है, रिजल्ट्स शोन बाय द फाइनेंशियल एनालिसिस मे बी मिसलीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डेटा. एब्सोल्यूट डेटा का मतलब एक्चुअल रुपयों में. देखिए, कई बार ऐसा नजर आ सकता है कि मान लीजिए मेरी एक छोटी फर्म है और आपकी एक बहुत बड़ी फर्म है, आप टर्नओवर करते हो 100 करोड़ की, मैं टर्नओवर करता हूँ 5 करोड़ की, मैं 5 करोड़ रुपए की टर्नओवर पर 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाता हूँ, यानी कि 40%. आप 100 करोड़ रुपए के ऊपर 35 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाते हो, यानी कि 35%. कंपैरिजन करने बैठेंगे तो मैं बेटर नजर आऊंगा कि जी दिस फर्म इज अर्निंग 40% एंड योर फर्म इज अर्निंग 35%, कहां हो आप, तो कुछ नहीं हो ये. जबकि रियलिटी में देखा जाए, मैंने तो सिर्फ 2 करोड़ कमाया, आपने तो 35 करोड़ कमाया. जब तक एब्सोल्यूट डाटा नहीं होगा, तब तक बहुत सारी एनालिसिस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज सच कोई रोल प्ले नहीं कर सकते. तो ये एक और कमी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एब्सोल्यूट डाटा देती तो है, लेकिन बहुत सारी चीजों में एडजस्टमेंट होनी चाहिए, वो एडजस्टमेंट होती ही. एंड फाइनली, डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज. शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और नजरिए से देखनी है, डेटर्स को किसी और नजरिए से, क्रेडिटर्स को किसी और नजरिए से, इन्वेस्टर किसी और तरीके से देखेगा, बैंकर किसी और तरीके से देखेगा. लेकिन हम बैलेंस शीट तो एक ही बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल तो एक ही बना रहे हैं, जिसको जिस तरीके से देखना है ऐसे ही देखना पड़ेगा. अब देखिए, ये एक और खास कमी है कि यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको देखना अपने हिसाब से चेंज करता रहे, तो काम तो उन्हीं को करना पड़ गया जो यूजर्स हैं. या तो आप बिल्कुल टेलर मेड चीज दे, आपको जी ये चाहिए तो आपको ये मिले, जैसे आप साउथ इंडियन खाना चाहते हैं आप साउथ इंडियन खाएं, आप नॉर्थ इंडियन खाना चाहते हैं आप नॉर्थ इंडियन खाएं, तो हमने उसी तरह की डिश बना कर दी. ये थोड़ी हुआ कि हमने नमक मिर्च सब्जी सबने सामने रख दी और जिसको जैसे जैसे बनाना है बना लीजिए. आप समझे ना. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये भी कमी है कि डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज को ये मीट आउट नहीं करती, जिसको जो चाहिए वो अपने हिसाब से उसको क्रिएट करते. तो ये कुछ लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ध्यान से, मैंने अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कमियां गिनाई हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की कमियां आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिखाएंगे, बट अभी यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने आप में क्या कमियां हैं वो डिस्कस हुई है. ठीक है, राइट, डन.